मेवात के मांडीखेड़ा सिविल अस्पताल में मंगलवार को विदाई पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें 5 साल तक मेवात में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले डॉक्टर गुलशन प्रकाश को स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर विक्रमचारियों ने पगड़ी बांधकर पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया। डॉक्टर गुलशन प्रकाश ने बताया कि उन्हें वर्ष 2015 में झज्जर के सिविल अस्पताल से मेवात के मांडीखेड़ा अस्पताल में लगाया गया था, जिसके बाद 5 साल तक उन्होंने मेवात में ही रहकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। इस बीच 1 साल 3 महीने तक उन्होंने नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में लोगों को सेवाएं प्रदान की और बाकी समय सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा में बिताया। उन्होंने बताया कि 5 साल बाद अब सरकार ने मांडीखेड़ा के सिविल अस्पताल से उन्हें PGI रोहतक में बायोकेमिस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर प्रमोशन करके लगाया है, जहां पर उन्हें MBBS के विद्यार्थियों को पढ़ाने तथा खून और पेशाब की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर गुलशन प्रकाश ने बताया कि मेवात में 5 साल का समय गुजारना उनके लिए बहुत ही बेहतर रहा। इस बीच उन्होंने कर्मचारियों के साथ अन्याय, समय पर वेतन न मिलना, मानदेय भत्ता न मिलना तथा अस्पताल में मरीजों के लिए समय पर सुविधाएं न मिलने को लेकर भी काफी संघर्ष किया, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने बताया कि लंबे अंतराल के बाद मेवात से तबादला होने पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं बाहर जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं डॉक्टर गुलशन प्रकाश सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में बतौर लैब इंचार्ज कार्यरत था। मैंने वर्ष 2015 में यहां पर ज्वाइन किया था। अभी मेरा सिलेक्शन PGI में रोहतक में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो गया है और मैंने यहाँ 23 तारीख को रिलीव होकर 24 तारीख को अपना पदभार वहाँ पर संभाल लिया है। उसके उपरांत यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वे अन्य मेरे साथी डॉक्टर हैं और स्टाफ ने आज विदाई पार्टी का आयोजन किया है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। मैं सभी डॉक्टर्स का एवं अन्य स्टाफ का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर विदाई पार्टी दी। भविष्य में सर PGIMS रोहतक में आपकी क्या भूमिका रहेगी? PGIMS रोहतक में जिस विभाग में मैंने ज्वाइन किया है, वहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। इसी के साथ साथ मरीजों के ब्लड के टेस्ट वहाँ पर होते हैं। मैं मरीजों के ब्लड के टेस्ट के साथ साथ वहाँ पर जो MBBS की BDS की छात्राएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, इसी के साथ BSc MLT BSc नर्सिंग की के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाएंगे। और इस दौरान में मेरे पास नूह जिले के जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मैं इसके साथ साथ सोशल वर्क में भी जुड़ा हुआ हूँ, नौकरी के साथ साथ यहाँ के काफी गाँव में मैं गया हूँ और यहाँ के काफी लोग मुझे जानते हैं, मैं उनका वहाँ पर अच्छी प्रकार से ध्यान रखूंगा। देखिए, हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब के साथ हैं। जिस शिद्दत के साथ और जिस मेहनत के साथ और जिस लगन के साथ यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए, यहाँ के वंचितों के लिए जिस तरह से वो यहाँ काम करते रहे मेवात क्षेत्र में, वैसे ही वहाँ रोहतक में कार्य करेंगे। और वहाँ तो उनके बहुत साथी हैं और उनको क्योंकि बहुत पहले से वो वहाँ कार्य करते रहे हैं, तो वहाँ और बेहतर तरीके से काम करें, हमारी ये शुभकामना है।